नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बसी की रेसिपी एंड ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी मखाने की खीर। ये हमने मखाने ले लिए हैं, ये हमारी किशमिश, ये इलायची। तो गाइस, हम मखानों को यहाँ चाकू से कट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम मखाने को कट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये हमारे मखाने कट के तैयार हो गए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे। गाइस, तो एक पैन में हमने घी डाल लिया है, घी हमारा गरम हो रहा है और हम तब इसमें मखाने भुनेंगे। गाइस, तो हमारा घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए मखाने। हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। गाइस, तो हमारे मखाने अभी अच्छे से भून रहे हैं। गाइस, तो एक तरफ हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। गाइस, तो हमारे मखाने बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। गाइस, तो अब हम इसमें अच्छे से दूध ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर हम मखानों को दूध में ही पकने देंगे। गाइस, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। और इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें शुगर। गाइस, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। गाइस, तो हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर हमने बहुत लाइट ऐड की है, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। जो ज़्यादा शुगर मीठी पसंद करता है, वो अपने अकॉर्डिंग शुगर ज़्यादा ऐड कर सकता है, क्योंकि मेरी मम्मा डायबिटीज़ की पेशेंट है, तो सो मैंने इसमें शुगर बहुत कम ऐड की है। गाइस, तो हमारी खीर पकाने की तैयार हो चुकी है। मैं इसे आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ। गाइस, तो हमारी मखाने की खीर बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को मेरे मखाने की खीर की रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, जब मन करे तब खा सकते हैं बना के। गाइस, तो अगर आप लोगों को मेरी मखाने की खीर की रेसिपी अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।